हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्वेश्चन फेल्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं फेल्ड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फेल्ड डिफाइन करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस एंड रिजल्ट्स चाहिए होंगे। वो डेफिनेशन एंड रिजल्ट क्लियर करेंगे, देन फिर उनकी हेल्प से फील्ड ऑफ क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक सेट चाहिए। सेट पे हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है ये फील्ड ऑफ क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो पहले हम वो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या है? लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड लेट आर बी द सेट। आर एक सेट है जो हमने इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड डी माइनस जीरो। डी जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रल डोमेन गिवन है। देन डी से हमने जीरो एलिमेंट निकाल दिया है। ठीक है, तो इस ये जो सेट बन रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड डी माइनस जीरो, इसको हमने नेम क्या दिया है, आर। आर नेम दिया, दिस इज अ सेट आर। और इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, हमें पता है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं टू सेट्स का तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वेयर ए बिलोंग्स टू डी। फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा ये फर्स्ट एलिमेंट, वेयर ए बिलोंग्स टू डी। ये जो बी एलिमेंट है सेकेंड, ये भी डी में होगा, मतलब वो यहाँ का एलिमेंट होगा, डी का एलिमेंट होगा, बट वो नॉन जीरो होगा बिकॉज ये जो सेकेंड सेट है इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें से हमने जीरो निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बी जो है वो भी डी का ही एलिमेंट्स होगा, प्रोवाइडेड बी शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो क्या किया हमने, डी इंटीग्रल डोमेन लिया। इंटीग्रल डोमेन आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है हैविंग नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो हमने डी और डी माइनस जीरो इस दो सेट्स का इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसको हम नेम क्या दे रहे हैं, आर नेम दे रहे हैं। और इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अब हमने क्या करना है, इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक है, वो रिलेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन दिस ऑन आर बाय। कैसे डिफाइन करेंगे ये रिलेशन, हम कहेंगे कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे बाय दिस रिलेशन। कब, अगर वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, वही हम यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं। डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ऑन आर बाय ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। सपोज ये टू एलिमेंट्स लिए हमने, ए बी आर का एलिमेंट है एंड सी डी भी किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। देन हम कहेंगे कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी हो। ठीक है, ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो इस सेट का आप कोई भी टू एलिमेंट्स लोगे, आप उनको बोल सकते हो वो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। लेकिन कब बोलोगे, अगर आप ए को डी से मल्टीप्लाई करते हो, इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका यहाँ से सेकंड कंपोनेंट लेना है, ए इंटू डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तब हम कह सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। तो हमने ये रिलेशन डिफाइन किया कि सेट पे, आर सेट पे, और आर में बेसिकली एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है वो डी को बिलोंग कर रहे होंगे और सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो होगा। एंड वट इज डी हेयर, डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिजल्ट आता है कि ये जो सेट हमने डिफाइन किया है, इस सेट पे जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, ये रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो नेक्स्ट थ्योरम है द बाइनरी रिलेशन ये जो हमने बाइनरी रिलेशन डिफाइन किया है, डिफाइंड ऑन आर। आर क्या है, आर इज अ सेट विच इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एंड डी माइनस जीरो। ठीक है, द बाइनरी रिलेशन डिफाइंड ऑन आर क्या प्रूव करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। हम प्रूव करेंगे ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है आर सेट पे, कौन सा रिलेशन ये, ठीक है, दिस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की, जो रिलेशन है जो हमने आर सेट पे डिफाइन किया वो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि अगर आप इस सेट के टू एलिमेंट्स ले रहे हो वो दोनों ही एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। तो हमें प्रूव करना है ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें टू प्रूव करना है ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ये प्रूव करना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, के सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा कि ए बी जो है वो ए बी से रिलेटेड है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमें पता है टू एलिमेंट्स सब रिलेटेड होते हैं, अगर ए को आप डी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज हमें प्रूव करना है ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, मीन्स हमें दिखाना होगा इसमें फर्स्ट को आपने ये सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, ए बी इज इक्वल टू, ये सेकंड को आपने फर्स्ट से करना होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें प्रूव करना है। अगर हम इतना प्रूव कर देते हैं ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये प्रूव हो जाएगा ए बी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इस सेट आर का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें दिखाना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें इतना तो क्लियर है ना, ये ए एंड बी किसके एलिमेंट्स होते हैं, डी के एलिमेंट्स होते हैं, बी इज नॉन जीरो एंड डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी, बेसिकली हमने ये लिया है, हम ले रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर का एलिमेंट है, आर मीन्स इसका इस सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो ए एंड बी एलिमेंट्स हैं वो डी सेट से बिलोंग कर रहे हैं एंड बी इज नॉन जीरो, बी क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, ठीक है, बी इज नॉन जीरो। अब हमें ये पता है यहाँ पे क्लियरली हम ये कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ए एंड बी जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं डी को एंड डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई थी, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इट इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है डी इज कॉम्यूटेटिव रिंग, अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो कॉम्यूटेटिव में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर आपने प्रूव कर दिया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ए को आप लास्ट एलिमेंट से यहाँ सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बनेगा, सेकंड कंपोनेंट को इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आएगा दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वालिटी हमें पता है क्योंकि ये डी के एलिमेंट्स हैं, डी कॉम्यूटेटिव रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है तो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास कि अगर आप आर सेट का कोई भी एलिमेंट्स लेते हो वो खुद से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक, सेकेंड सेम रिलेशन को हमें प्रूव करना है, दिस इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या दिखाना है, इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी देन वी हैव टू प्रूव दैट सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो लेट लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है, हम मान के चल रहे हैं। तो हमें टू प्रूफ क्या करना होता है सिमेट्री के लिए, टू प्रूफ करना है हमें सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो ये कब प्रूफ होगा, सी डी ए बी से रिलेटेड, अगर हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, सी बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी ए होना चाहिए, अगर इतना प्रूफ कर देते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है।
तो हमें, हम जो मान के चल रहे हैं, जो गिवन है हमें, वो क्या गिवन है कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। यहाँ पे मेरा लिखा नहीं है, क्लियर है कि ये जो ए बी एंड सी डी हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो किस सेट के हैं? आर सेट के हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि ये जो ए बी सी डी सभी एलिमेंट्स होंगे वो डी को बिलोंग कर रहे होंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, वेयर बी इज नॉन जीरो एंड ई इज ऑल्सो नॉन जीरो। ठीक है, तो हमें ये गिवन है ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो हमें इतना क्लियर है कि ए डी का आंसर जो है वो बी सी के इक्वल आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये इससे रिलेटेड है तो हमने डिफाइन ही रिलेशन ऐसे किया था ना, ए डी की मल्टीप्लिकेशन जो बी सी के इक्वल होगी। अब बी सी इज इक्वल टू ए डी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा है। अब हमें ये पता है कि ये सब ए बी सी डी किसके एलिमेंट्स हैं, डी के। डी क्या है? डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। तो अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो, और ए डी को आप क्या लिख सकते हो? डी ए लिख सकते हो, बिकॉज बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ये बिलोंग कर रहे हैं डी को, एंड हमें डी के बारे में क्या पता है? डी इज कॉम्यूटेटिव रिंग। डी इज कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो अगर ये प्रूव हो गया है सी बी इज इक्वल टू डी ए, यानी अगर आपने ये दिखा दिया, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो मान के चल रहे थे ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, और हमने प्रूव कर दिया सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। सो दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी है कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी, है ना, ऐसी कंडीशन होती है। तो हम लेट कर लेते हैं ए बी बी सी, सॉरी ए बी सी डी एंड डी ई, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो सपोज हमने आर से लिए हैं। आर सेट क्या था? वो डी क्रॉस डी माइनस जीरो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना था, दैट इज। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ हमें कि ये जो ए बी सी डी, ये यहाँ पे ई एफ लेना है ना, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लेने होते हैं। यहाँ पे आएगा ई कॉमा एफ, ठीक है, ई एफ। ये सब किसके एलिमेंट्स होंगे? डी के एलिमेंट्स होंगे, और इनके जो सेकेंड कॉम्पोनेंट्स हैं ये सब नॉन जीरो होंगे। एंड ए बी सी, सॉरी, फिर बी इज नॉन जीरो, डी इज नॉन जीरो एंड एफ इज नॉन जीरो। ठीक है, हमने लिया लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू आर, सच दैट, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी से रिलेटेड है एंड सी डी ई एफ से रिलेटेड है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब टू प्रूफ क्या करना है हमने? टू प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी होगा वो ई एफ से रिलेटेड है, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। और हमें पता है जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था उससे ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ कैसे प्रूव होगा, हमें इसके लिए ये दिखाना पड़ेगा ए एफ इज इक्वल टू जो है वो बी ई के इक्वल है। तो इतना प्रूव कर देते हो तो ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस। सो हमें गिवन है यहाँ पे, जो हम मान के चल रहे हैं, पहले ही हमारी अजम्पशन है कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि ए डी की वैल्यू जो होगी वो बी सी के इक्वल होगी, एंड अगर सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो सी एफ जो है वो डी ई से रिलेटेड होगा। ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू डी ई होगा। तो ये दो गिवन कंडीशंस हैं, अब हमें प्रूव करना है ए एफ इज इक्वल टू बी ई। तो हम कंसिडर करते हैं, नाउ कंसिडर,
एफ डी, ठीक है। तो क्योंकि ये ए बी सी जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वो डी से लिए हैं, डी इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो ये कॉम्पिटेटिव रिंग भी है, तो जो एफ डी है हम इसको लिख सकते हैं डी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। अब ये ए डी इंटू एफ, हमें पता है यहाँ से ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे एफ एज इट इज पड़ा है, और हमें यहाँ से ये क्लियर है सी एफ डी ई के इक्वल है, ठीक है। बी सी एफ एंड सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, के बन गया हमारे पास। अब डी ई को हम ई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग है ये बन गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ए एफ डी इज इक्वल टू बी ई डी, ठीक है। तो भाई कैंसिलेशन लो, अब हमें पता है क्योंकि डी तो यहाँ पे नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो है और ये रिंग के एलिमेंट है, तो डी इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो भाई कैंसिलेशन लो, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से कितना आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू बी जो कि हमें चाहिए था। तो ए एफ इज इक्वल टू बी हमने प्रूव कर दिया। अगर ये प्रूव हो गया तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि जो ए बी है, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तुमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन हमने आर सेट पे डिफाइन किया था, दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑन आर, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने एक डेफिनेशन डिफाइन किया और उसके हेल्प से एक रिजल्ट, तो डिफाइन क्या किया था हमने, डी इंटीग्रल डोमेन था, डी से हमने जीरो निकाला और हमने एक आर सेट कंस्ट्रक्ट किया था डी क्रॉस डी माइनस जीरो, ठीक है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर थे एलिमेंट्स ए कोमा बी टाइप के, वेयर हमें ये पता था ए और बी किसके एलिमेंट्स होंगे, डी के एलिमेंट्स होंगे एंड बी शुड बी नॉन जीरो। देन हमने आर सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन कैसे डिफाइन किया था कि आर के अगर आप कोई भी एलिमेंट्स लेते हो, टू एलिमेंट्स ए बी, वो रिलेटेड होगा सी डी से। तो हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया था, इफ एंड ओनली इफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल, सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। और फिर हमने प्रूव किया कि ये जो रिलेशन हमने आर सेट पे डिफाइन किया है, ये दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो काम क्या करता है, वो एक्चुअल में जो सेट होता है ना उसको ब्रेक करने का काम करता है। कैसे ब्रेक करता है, वो उसको इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक करने का काम करता है, क्योंकि अब हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है और उनको हम उठा के एक कैटेगरी में रख देंगे। जैसे मान लो ये हमारा आर सेट है, इसमें डी क्रॉस, ये डी क्रॉस डी माइनस जीरो ये वाला सेट है। अब इसमें हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं, जितने भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो ना इनके एलिमेंट्स से, वो सब यहाँ पे पड़ा है। तो अगर हमने इसका एक एलिमेंट उठाया, सपोज हमने इसका एक एलिमेंट उठाया ए बी, तो इस एलिमेंट के साथ वो वाले एलिमेंट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ए बी तो यहाँ पे है, इसके साथ कोई और एलिमेंट ऐसे जिनको जब आप ए को ये वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, वो एलिमेंट इससे रिलेटेड होंगे, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये एक इक्वलेंस क्लास बन जाएगी, ठीक है। और मान लो एक सी डी एक ऐसा एलिमेंट था जो इसके साथ रिलेटेड, ए बी के साथ मान लो ई एफ ले लेते हैं, मान लो ई एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब जब आप ए को एफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे और बी को ई से इक्वल नहीं आए, तो ये इस यहाँ पे तो नहीं जाएगा, तो इसकी अलग से अपनी डिफरेंट इक्वलेंस क्लास होगी। अब जो ई एफ से रिलेटेड होंगे सेट में एलिमेंट, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो अब एक ऐसा एलिमेंट है पी क्यू, इस सेट का ही है वो ना तो वो ए बी से रिलेटेड है ना ही ई एफ से रिलेटेड है, तो वो अपनी डिफरेंट इक्वलेंस क्लास बनाएगा। अब इस सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो इसके साथ रिलेटेड होंगे, ये वाले पी क्यू के साथ रिलेटेड होंगे, पी क्यू के साथ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो वो इसके इक्वलेंस क्लास में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा सेट था ना, जो हमने ये सेट डिफाइन किया था आर, ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वलेंस क्लासेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फील्ड डिफाइन करने के लिए हमें ये इक्वलेंस क्लासेस ही चाहिए थी, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है या डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज तक आज हमने जितना भी ये पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।